hello dear student how are you all i hope you are all fine and are doing well in your study okay so let's start today's topic today we are going to learn about the structure of a tooth the structure of a tooth our teeth are not as small as it appear a major part of it is inserted inside the jaw

जो पार्ट जो है गम के आउटसाइड होता है वो क्या कहलाता है क्रोन कहलाता है ओके इट इज पार्ट ऑफ ए टूथ विच इज सीन एब गम ये जो है गम के ऊपर देखे जाने वाला क्या है पार्ट है ओके नेक्स्ट रूट द पार्ट विच इज इन साइड द गम इज नोन एज रूट जो पार्ट जो है गम के इनसाइड होता है वो क्या कहलाता है रूट कल आता है दिस पार्ट इज नॉट विजिबल ये जो है हमें नहीं दिखता है ओके नेक्स्ट नेक द नेक ऑफ द टूथ इज वेयर द क्रोन मिट्स द रूट नेक कहा होता है जहां जो है क्रोन रूट के साथ मिलता है ओके नेक्स्ट गम गम्स प्रोटेक्ट द बॉटम ऑफ द टूथ इंक्लूडिंग द रूट इट इज पिंक पार्ट बिलो द टीथ वेल इट इज गम ये जो है तीत के नीचे का पार्ट होता है जो क्या होता है पिंक पिंक कलर का होता है इसको गम बोलते हैं गम मीस होता है मशूरा ओके नेक्स्ट इनेमेल द आउटर वाइट पार्ट ऑफ द टूथ इज नोन एज इनेमेल आउटर वाइट पार्ट जो हमारे टूथ का वाइट पार्ट होता है जो हमें दिखता है ओके वो क्या कहलाता है इनेमेल कहलाता है ओके इट इज स्मूथ एंड साइनी ये क्या होता है साइनी होता है इट इज आल्सो द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ये जो हमारे बॉडी का क्या है हार्डेस्ट पार्ट है ओके नेक्स्ट डेंटाइन डेंटाइन इज द नेक्स्ट लेयर ऑफ टूथ इन एनेमल के बाद जो है नेक्स्ट लेयर क्या है डेंटाइन है ओके okay. ये इनेमल के जस्ट क्या होता है बिलो होता है द डेंटाइन हेल्प अस इज नोविंग वाट इज हॉट एंड वाट इज कोल्ड डेंटाइन जो है हमें हेल्प करता है यह जानने में कि क्या हॉट है और क्या कोल्ड है ओके इट इज टफ बट नॉट एज मच इज द इनेमेल यह भी जो है टफ होता है बट इनेमेल से कम नेक्स्ट पल्प पल्प कैविटी ओके बिलो द डेंटाइन इज पल्प पल्प कैविटी, ओके द पल्प इज द इनर मोस्ट जो है, का क्या होता है? परत होता है, innermost layer होता है, है, ओके? इट हैज ब्लड वेजल एंड नर्व्स इसमें जो है क्या होता है रक्त वाहिका और तंत्रिकाएं होती है ओके यू सी ब्लड वेजल अटैच्ड इट टू इसके साथ जो है क्या है ब्लड वेसल जो है अटैच है ओके इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द टूथ एंड इट इज वेरी सेंसिटिव पार्ट होता है और क्या होता है वेरी सेंसिटिव होता है ओके रूट इज सेंसरी पोर्सन ऑफ द टूथ कंटेनिंग द नर्विच लीड्स टू द ब्रेन द रूट आल्सो होल्ड द टूट इन द प्लेस ऑफ द जाबोन रूट क्या होता है सेंसरी पोर्शन होता है टूथ का जो नर्व को जो क्या करता है लीड करता है किसके साथ ब्रेन के साथ ओके okay? और आल्सो जो है होल्ड मतलब पकड़े हुए रहता है टूथ को जाबोन में रूट ओके लेट्स सी गम इट इज पिंक पार्ट यह जो है क्या होता है पिंक पार्ट होता है, है न और हेल्दी गम्स एपियर पिंक एंड अ फॉर्म हेल्दी गम्स जो होता है क्या होता है पिंक कलर में हमें दिखाई देता है ओके वेन रेड एंड अ पर्फी ब्लीड वाइल प्लानिंग दैट मीन्स योअर टीथ वेस्ट वीक एंड अनहेल्दी अगर जो है हमारा गम्स रेड हो जाता है ब्लीडी होता है तो वो क्या शो करता है कि हमारा तीत जो है वीक और अनहेल्दी है ओके सो टेक केयर ऑफ योर टूथ ओके थैंक यू